ऊपर के संकेत मिल रहे हैं निफ्टी में। ओपनिंग के बैंक निफ्टी में भी 150 अंकों की मजबूती, सेंसेक्स 270 अंकों पर। अगर निफ्टी का कुल स्टॉक्स की बात करें तो करीब 48 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में खुलने के संकेत यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और डीवीज लैब और पावर ग्रिड हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो आज भी फोकस में रह सकता है आईटी, मेटल स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर की नज़र रखें। अगर बीएससी की बात करें तो लगभग सभी इंडाइसेस हरे निशान में ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस अब से कुछ ही मिनट रह गए हैं और अच्छी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है हरे निशान में। बाजार की ओपनिंग निफ्टी 22,700 के ऊपर, 80 अंकों की मजबूती यहाँ पर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी करीब 70 अंकों की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी में ओवरऑल अगर बात करेंगे तो अच्छी शुरुआत है। और टाटा स्टील है इस वक्त का टॉप गेनर, करीब 1.25% ऊपर टाटा स्टील खुला है। भारत एयरटेल में अच्छी ओपनिंग हो रही है, हिंडालको ऊपर खुला है। तो जैसे कि हमने कहा भी था कि आज मेटल स्टॉक्स पर जरूर नज़र रखिए, आज भी यहाँ पर तेज़ी के संकेत नज़र आ रहे हैं। रिलायंस में भी आज अच्छी तेज़ी है और इस तेज़ी को लीड कर रहा है, करीब 1% ऊपर रिलायंस है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक बार देखिए, बहुत ही मजबूत एडवांस डिक्लाइन रेशियो नज़र आ रहा है। करीब 1300 से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, 300 स्टॉक्स लाल निशान में है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही पॉजिटिव, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज के दिन देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ा एक्शन नहीं है निफ्टी के स्टॉक्स में, लेकिन अगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखेंगे तो वहाँ काफ़ी अच्छा एक्शन है। टॉप गेनर है इस वक्त के टाटा स्टील, हिंडालको, भारती एयरटेल, रिलायंस, कोल इंडिया, यूपीएल, यहाँ पर अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है। कमजोरी है हल्की फार्मा स्टॉक्स में, डिवीज लैब 1% नीचे, एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही मामूली कमजोरी के साथ यहाँ पर ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आज मेटल है टॉप, इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, यहाँ से काफ़ी अच्छी शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। निजी बैंकों में हल्की कमजोरी है, लेकिन लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप स्टॉक्स में अगर एक्शन देखें, मिड कैप स्मॉल कैप में, तो खबरों के चलते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है। वेदांता ऊपर है, इंटरग्लोब एविएशन करीब 2% ऊपर है। लुपिन देखिए, पॉजिटिव खबर आई थी, कंपनी के ड्रग को मंजूरी मिल चुकी है, 2% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वेस्टपेन इंडिया, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स भी मजबूती दिखा रहे हैं। तो अच्छी ओपनिंग, बाजार इस वक्त स्टेबल है, 22,700 के ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब सृष्टि से समझ लेते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन कैसा है। सृष्टि, ओवर टू यू। जी हाँ, अभी इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल अपने आप को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स, और कई सारे स्टॉक्स जहाँ पे एक्शन देख रहे हैं। जो लार्ज कैप स्पेस है वहाँ पे तो आपने जिक्र ज़रूर किया, और कुछ शुगर काउंटर्स में अच्छा एक्शन ज़रूर है। कल बाज़ार बंद होते होते एक खबर आई थी कि जहाँ पे जो एथेनॉल में शुगर का जो यूज़ है वो बढ़ सकता है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स में जो उनकी उम्मीदें थी वो थोड़ी सी कम ज़रूर हो गई हैं। इसको लेकर EID पैरी लगभग यहाँ पे 1.5% की मजबूती है। इसके अलावा कुछ पेपर काउंटर्स भी जोश में है, जहाँ पे JK पेपर में लगभग 2% का उछाल है। JSW एनर्जी आज करीब 1.5% ऊपर है, और लेमन ट्री होटल्स खबर के दम पे, क्योंकि काठमांडू में नया उन्होंने होटल ओपन किया है, यहाँ पे भी लगभग 1.5% की तेजी है। और EIH लिमिटेड भी लगभग 1% ऊपर है। मेटल काउंटर्स जैसा कि UPL का आप जिक्र कर रही थी, आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी एक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1.5% की तेजी है। और इसके अलावा कुछ जितने वाइट गुड काउंटर्स हैं जैसे कि ब्लू स्टार, सिम्फनी, यहाँ पे हम लगातार एक्शन देख रहे हैं। सिम्फनी में भी आज लगभग 2% की तेजी है। कुछ गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो स्पार्क आज 5% के लोअर सर्किट पे है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि 5% का अपर सर्किट लगा था, तो सर्किट टू सर्किट ये काउंटर खेल रहा है। IRB इंफ्रा लगभग 3% की गिरावट का शिकार है। IIFL फाइनेंस यहाँ पे 2% की कमजोरी है, साथ ही सेंचुरी टेक्सटाइल्स यहाँ पे भी लगभग 2% की गिरावट है, और नैटको फार्मा में भी करीब 1.5% की हम गिरावट देख रहे हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं देख रहे हैं हम दोनों ही इंडेक्स में, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है।